उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुलार ग्राम पर खच घोरी बांध के पास जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रखा गया भूमि पूजन समारोह में उपस्थित 96 विधायक राहुल प्रकाश जीवा लालगंज ब्लॉक प्रमुख महेंद्र गिरी से जानकारी प्राप्त हुई कि 5,555 करोड़ के लागत से बनने वाला जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश परियोजना का भूमि पूजन ग्राम बरखच में माननीय 96 विधायक राहुल प्रकाश व लालगंज ब्लॉक प्रमुख महेंद्र गिरी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किया गया और हजारों की संख्या में आए हुए जनता को जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी देते हुए रवाना हुए। वहीं ग्राम महोदय से आई सुमन देवी कोल से अतिरिक्त जानकारी मिली कि हमें और हमारे समूह के सभी महिलाओं को लालगंज ब्लॉक वीडियो मोहम्मद हफीज द्वारा बताया गया था कि आप लोग अधिक संख्या में उपस्थित हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, लेकिन महिलाओं से बात ना होने के कारण सुमन देवी कोल व उनके साथ आए समूह की सभी महिलाएं निराश होकर वापस चली गई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के लालगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत महुलार ग्राम बरकच में भूमि पूजन था। इसमें माननीय 96 विधायक राहुल प्रकाश जी सामने हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भूमि पूजन उत्सव में आए थे? आप आज हम लोगों के देश के कर्ता धर्ता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री और स्वच्छ छवि के प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वच्छता प्रकाश के साथ साथ पेयजल मिशन को भी आगे जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल योजना का प्राविधान किया और आज बुंदेलखंड की तर्ज पर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र को उससे अभिसिंचित करने का काम किया और आज उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में वर्चुअल के माध्यम से मिलजुल कर कनेक्टिविटी के माध्यम से आज वहाँ से दिल्ली से शिलान्यास हुआ। और हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि विंध्य पर्वत पर जहाँ सबसे बड़ी समस्या और विकट समस्या, अभी तो कुछ चल जाता है लेकिन वास्तव में जब गर्मी के समय में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोगों को जगह जगह टैंकर लगाने पड़ते हैं, कुछ सामाजिक सेवक लगाते हैं, कुछ प्रशासनिक, लेकिन आज इस हर घर नल योजना से हर दरवाजे तक पानी पहुंचाएंगे, ऐसे पुनः मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ से और अपने तरफ से और क्षेत्र की देवतुल्य जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, ये जो जल जीवन मिशन योजना का जो लक्ष्य बनाया गया है, ये लगभग सर ये कितने मतलब गाँव तक ये पहुँचाया जाए, इसकी लगभग सर दूरी कितनी है जो पाइपलाइन की बनाई गई है? देखिए, इसका अपना क्राइटेरिया है, उसके विभाग के इंजीनियर लोग आए हैं जी। कम से कम जैसे अब आज हमारे क्षेत्र में एक अहोगी परियोजना है जी, और आज यहाँ पे एक महादेव परियोजना, दो परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। कम से कम 15 से 20 गांव को एक में जोड़ने का, क्योंकि सरफेस वाटर के जरिए इनको रिफ्रेश करके अगर लोगों तक पानी पहुँचाना, एक कहीं ना कहीं बोर कराना है उन चीज़ों पर नहीं, सरफेस वाटर के द्वारा उनको कलेक्ट करके और रिफ्रेश करके लोगों तक पहुँचाना है। हमें लगता है कि 20 से 25 गाँव को जहाँ प्रभावित करेंगे, फिर आगे आने वाले समय में और भी परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उन भी गांवों को जो छूटे रहेंगे उनको भी जोड़ेंगे। अच्छा सर, रुकिए, आज जितना शिलान्यास हुआ गवर्नमेंट के तरफ से ऑनलाइन जो है सर, कितने लागत से लगभग किया गया? आज 55 हज़ार करोड़ की लागत से ये आज योजना का शुभारम्भ किया गया ऑनलाइन। चलिए, कि जो ये लगभग में कितने जगह पे ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखे गए थे अंदाज बस, जैसे कितने? हमारे यहाँ अंदाज बस नहीं, हम क्लियर बताएं, मिर्जापुर में 9 जगह रखा गया, 9 जगह रखा गया जो हमारे विधानसभा में 2 जगह था कला में, और हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सबको मिल रहा था। कहीं माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी, कहीं माननीय मंत्री रमा शंकर जी, कहीं माननीय विधायक सुचिस्मिता जी, अनुराग जी, रत्नाकर जी, और यहाँ पे हमें जगह जगह सभी जनप्रतिनिधियों को लगाया गया, कहीं माननीय सांसद राम सकल जी, और सोनभद्र में भी आप लोगों ने देखा ही है कि हमारे पिताजी माननीय सांसद पकौड़ी लाल कोल जी, भूपेश चौबे जी, माननीय जल शक्ति मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी प्रतिनिधियों की सहभागिता
और वास्तव में अगर सर जी थोड़ा बताएंगे कि जल जीवन मिशन महादेव में पास हुआ था, बरकच में बन रहा है, कुछ कारण था कि ऐसा कुछ नहीं है। महादेव परियोजना के नाम से, जैसे कोई भी परियोजना बिंध के नाम से हुई तो बिंध के नाम से हुई तो बिंध पर्वत पे कहीं भी स्थापित की जा सकती है। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मेजा डैम से ही पानी उठाकर आप सभी लोगों को सप्लाई दी जाएगी। जी सर, थोड़ा सा प्रमुख जी से बात लगाइए, रहिए सर आप। हाँ मनी, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र गिरी जी, आप यहाँ भूमि पूजन में उपस्थित हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आज उपस्थित हुआ हूँ, कहना आपको कैसा लगा ये भूमि पूजन? अच्छा लगा क्या? भूमि पूजन बहुत अच्छा लगा, सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं ये बहुत अच्छी नीति, बहुत जनता को लाभ देने वाली नीति है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे कार्यकाल में इस योजना का शुभारम्भ हुआ लालगंज ब्लॉक में, इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है। चलिए सर, जगत में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन देवी कुल। कहाँ से हैं आप? गांव महादेव लालगंज बीजापुर निवासी हूं। जिसे आप यहां बरकच्छ में भूमि पूजन समारोह था, इसमें आप उपस्थित हैं, आपके यहां आने का क्या कारण था? मेरे यहां आने का ये कारण था कि मेरे पाइप पेयजल की जो योजना है जी, मेरे क्षेत्र में जो जा रही है घर घर पे पानी जल, उससे मैं उसी के माफ करने इच्छा अपनी पूरी करने जा रही थी कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं पाइप पेयजल पीकर स्वस्थ रहें, और उस समूह के द्वारा हम लोगों को जो बेरोजगार बैठे हैं उसे रोजगार मिले जी, उसे हम अपने गांव का विकास कर सकते। आप किससे मांग करना चाहती थी? प्रधानमंत्री जी। किस प्रकार, इसे आप उनसे कैसे मांग करती? प्रधानमंत्री तो यहाँ नहीं थे जी, तो मतलब कि कैसे आपको यहाँ पे बुला के फिर कैसे आप मांग करते हैं उनसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करती हैं आप, या तो कैसे बात मतलब उनसे आप अपने डिमांड रखते हैं? वीडियो कॉल बात हुआ आपसे कि नहीं? तो बात हुआ, बात हुई नहीं, आपसे बात नहीं हो पाई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में क्या कहेंगे, जब बातें नहीं हुई तो हमें नहीं, आपको आश्वासन तो दिया, आपको बताया गया था कि आपसे बात करवाया जाएगा अगर प्रधानमंत्री जी से। कौन बताए थे? वीडियो लालगंज कहे थे कि आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कराई जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन बात नहीं हो पाई। बात आपके कैसे कराई जाएगी आपसे बताइए, आपने मतलब कि जो वीडियो साहब जब बता रहे होंगे कि आप कैसे बात कराई जाएगी आपसे उनसे? वीडियो कॉल से बात कराई जाएगी। वीडियो नहीं, मतलब किस बेसिस पे बात कराई जाएगी, किस किस मुद्दे पे बात कराई जाएगी? मुद्दे पे बात की जाएगी, मुद्दे पे बात करना। अच्छा, पाइप पे जो अभी जल जीवन मिशन योजना वाला जो चल रहा है उसी के मुद्दे बात की जाएगी, तो बात नहीं हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।